नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। भारतीय किसान संघ ने मकराना विधायक मुरावतिया को सौंपा ज्ञापन, किसानों की कई समस्याओं से करवाया अवगत। 5 अगस्त से भारतीय किसान संघ करेगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। भारतीय किसान संघ विद्युत और सिंचाई अनुदान, ऋण मंडी, विपणन, अधिक किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कई प्रकार के ज्ञापन देकर सरकार को कई बार किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसको देखते हुए भारतीय किसान संघ ने 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। भारतीय किसान संघ के जिला युवा प्रमुख मोहन राम डारा ने बताया कि किसान की मुख्य मांगे यह रहेगी, आगामी 6 माह के किसानों के कृषि घरेलू विद्युत बिल माफ किए जाए। कृषि विद्युत बिलों में दिया जाने वाला 833 रुपये प्रति माह का विद्युत अनुदान पुनः शुरू किया जाए। विद्युत बिलों में लगने वाला LPS खत्म किया जाए। बकाया बिलों पर वसूली कर कृषि कनेक्शन काटने पर रोक लगाई जाए। पूरे प्रदेश में ऑडी के नाम से वंचित किसानों को जल्द से जल्द सहकारी समितियों से ऋण दिलवाएं। समर्थन मूल्य पर कम से कम 40% फसल खरीद सुनिश्चित हो। टिड्डी नियंत्रण हेतु केमिकल व डीजल किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए तथा फसल खराबे का मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कई स्थानीय समस्याओं से भी मकराना विधायक को अवगत कराया, जिसमें मकराना के गांव इंदोखा, मामड़ोली, कालवा, सबलपुर के GSS का काम कंप्लीट करवाने, मकराना तहसील के सभी ग्रामों की खातेदारी, रास्तों का निवारण जल्द किए जाने, संपूर्ण तहसील क्षेत्र में आवारा पशुओं का समाधान ढूंढकर किसानों की फसलों को बचाए जाने सहित कई स्थानीय मांगे भी किसानों ने रखी है। इस समय भारतीय किसान संघ के जिला युवा प्रमुख मोहन राम डारा, राजू राम बाम्बू, शिम्बू सिंह सफेद, परमाराम डारा, राजेश वैष्णव, भवनलाल बेनीवाल, अरविंद मुवाल सहित कई किसान उपस्थित रहे। मकराना से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट।